प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास आयाम ले रहा है। इन्वेस्टर्स समिट में मेगा निवेश और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा खासा बजट रखा गया है, जिससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बूम आएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश से राज्य के सभी प्रमुख शहरों में टाउनशिप का निर्माण, मल्टीनेशनल स्कूल, मॉल, मल्टीप्लेक्सेस बनेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस रहता है और यही वजह है कि तमाम उद्योगपतियों, इंडस्ट्रियलिस्ट और रियल एस्टेट कारोबारियों ने इस सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने का मन बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार की सरल और इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों का परिणाम इन्वेस्टर समिट में नजर आया। देसी विदेशी निवेशकों ने दिल खोलकर प्रदेश में निवेश किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उस धनराशि खर्च होगी जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में है। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सूबे के 75 में से 59 जिलों में प्रोजेक्ट्स के लिए 863 MOU साइन हुए। इनमें से ज्यादातर टाउनशिप विकसित करने के लिए है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन की वजह से धरातल पर उतर पाया। हमने मेरा मतलब हमारी कंपनी शालीमार कॉर्प लिमिटेड ने अपने स्टेट में कुछ अलग अलग जगहों पे और अलग अलग एवेन्यूज में MOU साइन किया है और उसमें हमने उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल यहाँ पे ऊपर लेकर के आ रहे हैं, जिसका ऑलरेडी हमारे यहाँ हमारी टाउनशिप में काम चल रहा है। जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी से और बाकी अदर डिपार्टमेंट से जो अभी इन्वेस्टर समिट खत्म हुई है उसमें जो हमारे MOU साइन हुए हैं उसके ऊपर रिव्यू की मीटिंग स्टार्ट हो गई। जो मुझे गवर्नमेंट से जो हेल्प चाहिए वो हेल्प वो लोग रेंडर कर रहे हैं, जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मतलब मैं ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने इस टाइप का एनवायरनमेंट काम करने के लिए पहले कभी नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट सेक्टर में सर्वाधिक 40,484 करोड़ रुपए निवेश के 56 प्रोजेक्ट गाजियाबाद में हुए। राजधानी लखनऊ में 39,269 करोड़ रुपए निवेश के 167 प्रोजेक्ट्स पर साइन किए गए। रामनगरी अयोध्या तीसरे पायदान पर रही। यहाँ बुनियादी ढांचे में 14,747 करोड़ रुपए निवेश के 19 MOU पर इन्वेस्टर्स ने दस्तखत किए। 1996 से लखनऊ में बिजनेस कर रहे हैं और जाहिर है 1996 से अब तक कई माहौल बदले हैं और कई चीजें बदली हैं। इस समय जो बदलाव है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बात सुनी जा रही है। इंडस्ट्री जो आज तक इस बात के लिए परेशान रहती थी कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो लीडरशिप है हमारी योगी आदित्यनाथ जी की और जो उनका विजन है, जिस तरह से वो चीजों को लेके चल रहे हैं और स्टेट को एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, डेफिनेटली सराहनीय है। और इस इन्वेस्टर समिट से उन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है। सरकार के पास पहुंचना मुश्किल नहीं है, सरकार से अपनी बात सुनाना मुश्किल नहीं है और सरकार से बात मनवाना मुश्किल नहीं है। ये इंडस्ट्री के लिए एक ख्वाब था जो आज इस इन्वेस्टर समिट और इनके एफर्ट से योगी जी के ये लग रहा है कि ये विजन रियलाइज हो रहा है और डेफिनेटली ये इंडियन इकोनॉमी और यूपी की इकोनॉमी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। 46 MOU के जरिए 5,891.18 करोड़ रुपए का निवेश कानपुर नगर और बुलंदशहर में 5,847.25 करोड़ रुपए के 20 MOU हुए। जिन शहरों में 2,000 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है उनमें वाराणसी, मुरादाबाद, झांसी, प्रयागराज, बरेली जैसे शहरों के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन की बदौलत उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। योगी सरकार में प्रदेश में बुनियादी ढांचे में हो रहा विकास इसका गवाह है। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा
अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ